हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ रमन टेक्निकल स्टडी में। ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अभी एग्ज़ाम का दौर भी चल रहा है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है। मैं सभी भाइयों को शुभकामनाएँ देता हूँ कि सभी के एग्ज़ाम अच्छे से हो। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि रेलवे के अधिकतर एग्ज़ाम में इकाई स्थान का अंक निकालने के लिए पूछता है। अब हम लोग इकाई स्थान का अंक कैसे निकालेंगे? जैसे एक सवाल मेरे बोर्ड पर है, 576 का पावर है 39। दोस्तों, ये देखने में जितना हार्ड लगता है उतना हार्ड है नहीं। 5 सेकेंड में सवाल बन जाएगा। हालाँकि 5 सेकेंड तो बहुत हो गया, देखते के साथ सवाल बन जाना चाहिए। मैं ऐसा ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले ये डिजिट जो आप देख रहे हैं 1 2 3 5 6 7 8 9 0, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर इन्हीं डिजिट में से कोई एक रहेगा। इनके अलावा कोई डिजिट है नहीं जो इकाई स्थान पर रहे। तो आप देख रहे हैं कि इसके इकाई स्थान पर जैसे 6 है और इसको हम लोग बोलते हैं बेस। जो नीचे है वो बेस है, जो माथे पर है वो पावर है। तो किसी भी संख्या के इकाई स्थान का अंक निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले उस डिजिट को देखेंगे जो इसके इकाई स्थान पर हो। इकाई स्थान पर 0 या 1 या 5 या 6, अगर इस चारों में से कोई एक है किसी भी आधार के इकाई स्थान पर, अगर इस चारों में से कोई एक है और पावर कुछ भी हो, पावर चाहे सैकड़ा में हो या हज़ार में हो या लाख में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको किसी भी आधार के इकाई स्थान का अंक देखना है, पावर को बिल्कुल नहीं देखना है। अगर इकाई स्थान का अंक इस चारों में से कोई एक है, जैसे 0 या 1 या 5 या 6, यहाँ ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ 6 है, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। इतना आसान है दोस्तों, बन गया सवाल। मैं एक बार दोहरा देता हूँ, किसी भी आधार के इकाई स्थान का अंक अगर इस चारों में से कोई एक है और पावर कुछ भी हो, तो उसका इकाई स्थान का अंक वही होगा जो वहाँ पे लिखा हुआ था। हमको इतना बार गुना करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब वैसे भी इतना गुना करना बहुत डिफिकल्ट सा लगता है। अब मैं एक सवाल और आपको दिखा देता हूँ, 7 2 5 to the power 114। अब इसका इकाई स्थान का अंक क्या होगा आप देखते ही सब बता सकते हैं दोस्तों, जैसा मैंने बताया था 0 1 5 6। अगर इस चारों में से कोई एक इकाई स्थान पर हो और पावर कुछ भी हो, तो इसका इकाई अंक इकाई स्थान का अंक कभी नहीं बदलेगा, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 5। ओके, इतना आसान है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए, उम्मीद है कि आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि बहुत आसान है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए दोस्त, मैंने 0 बता दिया, 1 बता दिया, 5 बता दिया और 6 बता दिया। इस 10 डिजिट में से 4 डिजिट निकल चुका है, अब बचा 6 डिजिट। अब क्या करना है, एक सवाल मैं और लिख देता हूँ, 5 7 9। अब हम लोग 9 को लेकर चलेंगे, इकाई स्थान पर 9 है और पावर में मैं दे देता हूँ 32। अब इसका इकाई अंक आपको पूछा गया है कि इसके इसको हल करने पर इसका इकाई स्थान पर का अंक क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसके इकाई स्थान पर है 9 और पावर में है 32, जो कि सम संख्या है, इवन नंबर उसे कहते हैं जो दो से पूरी पूरी कट जाती है, विभाजित हो जाती है, वो इवन नंबर कहलाता है। जो दो से पूरा पूरा विभाजित ना हो वो ऑड नंबर कहलाता है, यानी कि विषम संख्या। तो हम लोग देख रहे हैं अगर किसी भी आधार के इकाई स्थान पर अगर 9 हो और उसके पावर में सम संख्या हो, इवन नंबर, तो उसका इकाई स्थान पर का अंक हो जाएगा 1। हो गया, बन गया। किसी भी आधार के इकाई स्थान का अंक अगर 9 हो और उसके पावर में इवन नंबर हो, यानी कि सम संख्या हो, तो उसका इकाई स्थान पर का अंक हो जाएगा 1। अब सम संख्या ले लिए तो विषम संख्या लेके देखते हैं, ऑड नंबर,
अब वो ले देते हैं 569 to the power 61। हम लोग जान रहे हैं कि 61 विषम संख्या है, ऑड नंबर, इसके इकाई स्थान पर है 9 और पावर में है 61 जो कि एक ऑड नंबर है। इसका इकाई स्थान पर अंक क्या होगा? इसका इकाई स्थान पर अंक हो जाएगा 9। ओके, इतना आसान है दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो मैंने 0, 1, 5, 6 बता दिया, 9 बता दिया। अब इसके अलावा और जो डिजिट बच जाता है, जैसे 5, 2, 8 to the power 67। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये मैंने आधार में एक संख्या लिखा 528 और उसका पावर है 67। दोस्तों अब 0, 1, 5, 6 हो गया, 9 भी हो गया, इसके अलावा अब क्या क्या बच रहा है? तो 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है, 7 और 8। 9 भी मैंने बता दिया, 9 मैंने बता दिया। तो अब 0, 1, 5, 6 और 9 को छोड़कर अगर कोई और डिजिट आता है, जैसे यहाँ पर आया है 8 और इसका इकाई अंक हमको बताना है, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। अगर 0, 1, 5, 6 और 9 को छोड़कर अगर कोई और संख्या आती है, जैसे यहाँ पर 8 आया है, तो हम लोग उसके पावर को देखेंगे, पावर में क्या है। तो पावर में जो भी हो उसको 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 4 से। तो पावर में यहाँ पर है 67 है, 67 में हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष आए, जो रिमाइंडर हमारा आता है, जो शेष बचे, अगर शेष 0 की चर्चा मैं करूँगा अभी, अगर शेष 1, 2 और 3 आ जाए, शेष मैं लिख देता हूँ, शेष अगर 1, 2, 3 आ जाए, तो जैसे यहाँ पर शेष क्या आएगा, अगर उसको उसको डिवाइड करेंगे तो 16 चौका 64 64 समझ जाता 3, तो 3 आ गया शेष, 3 क्या आ गया शेष। तो इस शेष को जो हमारा डिवाइड करने के बाद आया है उसके इकाई स्थान पर क्या है 8, उस 8 पर हम लोग इसके शेष को बैठा देंगे। ओके, अब इसको गुना कर देंगे, 8 को 3 बार गुना करना कोई डिफिकल्ट का काम तो है नहीं, तो 8 को 3 बार करेंगे तो 8, 8, 64 और 64, 8, 512 इसके इकाई स्थान का अंक क्या हो गया 2। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों इसके इकाई स्थान का अंक हो गया 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। हो गया, अब इसे मैं एक संख्या और ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 2, 6, 7 to the power 33। इसके इकाई स्थान का अंक क्या होगा ये निकालना है। तो मैंने बताया दोस्तों अभी इसके इकाई स्थान पर क्या है 7। अगर 0, 1, 5, 6 और 9 रहता था तो आसान था, लेकिन यहाँ पर आ गया है 7। जब 7 आ जाए, 0, 1, 5, 6 और 9 को छोड़कर कोई भी अदर संख्या आ जाए, तो आप उसके केवल पावर में देखें क्या है, तो पावर में है 33। तो 33 क्या मैंने बताया अभी, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको शेष कितना आ जाएगा 1। क्यों? क्योंकि 8 चौका 32, 1 आया शेष, शेष आ गया 1। अब इस शेष को हम लोग क्या करेंगे, इसके इकाई स्थान पर क्या है 7, इस शेष को उठा के इसके पावर पर रख दीजिए, 7 पे वर करेंगे तो 7 इकाई स्थान हो गया 7। इतना आसान है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, आपके लिए मददगार साबित हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई अपने और नई टॉपिक लेके साथ, तब तक के लिए जय हिंद।